नमस्कार दोस्तों, वो कहते हैं ना जिंदगी की हर एक उड़ान बाकी है, जिंदगी का हर एक इम्तिहान बाकी है, अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। और बच्चे, मतलब इस टाइम का सबसे ट्रेंडिंग का जो क्वेश्चन है वो क्या नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा और कट ऑफ क्या रहेगी। आज बच्चों सारी चीज़ों पर मैं डिस्कस करना चाहता हूं। और मैं ना बच्चों, मतलब कई यूट्यूब चैनल है ना वो डाल रहे हैं कि इतनी जाएगी कट ऑफ, मैं बच्चों को भ्रम में नहीं रखना चाहता, मैं बिल्कुल सीधा बताता हूं। बच्चों जो एग्ज़ाम आया था 22 को शाम को और 23 को शाम को, उसने जो कट ऑफ है ना उसको बढ़ा दिया है। बच्चों कट ऑफ कम नहीं जाने वाली है, जो जर्नल की कट ऑफ है ना बच्चों वो 72 से लेकर 75 के बीच में जर्नल की कट ऑफ जाने वाली है। 72 से लेकर 75 के बीच में जर्नल की कट ऑफ जानी वाली है। चाहे आप कितना भी सर्वे कर लो बच्चों, वो पेपर का लेवल देखते हुए 72 से 75 जर्नल की कट ऑफ रहने वाली है। और इस ये मन में से बहम निकाल दो कि एग्जाम कैंसिल होगा या नहीं, एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, ये 72 से 75 जर्नल की है। और ईवीएस की जो कट ऑफ है बच्चों वो रहने वाली है लगभग, आप मान के चलो 68 से लेकर 71 के बीच में ईवीएस की कट ऑफ, जो मतलब 10% का जो आरक्षण दिया था इकोनॉमी के आधार पर उसकी रहने वाली है 68 से लेकर 71 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है बच्चों। हाँ, इसमें से मतलब मैं कहता हूँ दो नंबर इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन श्योरली 68 से लेकर 71 के बीच में रहने वाली है। और जो मैं बीसी की बात कर रहा हूँ ना बच्चों, जो बीसी की कट ऑफ है ना वो आप मान कर चलो 63 से लेकर 67 के बीच में बीसी की कट ऑफ रहने वाली है। 63 से लेकर 67 के बीच में बीसी की कट ऑफ रहने वाली है। और बात करता हूँ बच्चों मैं एसी की कट ऑफ की बात करता हूँ, तो एसी की कट ऑफ है बच्चों वो 58 से लेकर 62 तक रहने वाली है, 58 से लेकर 62 तक रहने वाली है। और जो बच्चों हैंडीकैप्ड वगैरह होती है ना उनकी कट ऑफ की मैं बात करूँ ना बच्चों, वो 47 से लेकर 52 के बीच में रहने वाली है। जो मतलब से जो हैंडीकैप्ड होते हैं कुछ, मतलब जो आजकल आपने देखा होगा बच्चों जो मतलब अपने साथ रीडर वगैरह लेकर आते हैं, विजुअली इम्प्रिजनमेंट होते हैं, तो उनकी ये रहने वाली है। अब मैं बता रहा हूँ, आपको लग रहा है कि सर ने कट ऑफ ज़्यादा बताई है, ज़्यादा क्यों बताई है बच्चों, जो आपको 22 को शाम को एग्ज़ाम हुआ था, 23 को शाम को इवनिंग का एग्ज़ाम हुआ था, इसने बच्चों कट ऑफ का लेवल है ना वो बढ़ा दिया। अगर ये दोनों एग्ज़ाम अगर बच्चों 21 के मतलब शाम को और 22 के सुबह वाला होता ना, तो ये कट ऑफ है ना बच्चों कम से कम 5 से लेकर 7 नंबर नीचे जा सकती थी। अब बच्चों हमें सबसे बड़ी बात है, हमें क्या करना चाहिए, तो हमें है ना एक ही बात है, ज़्यादा बच्चों प्रोटेस्ट आप कर रहे हो तो हम आपके साथ हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप है ना कोई काम करो और प्रदीप सर आपके साथ ना हो, मैं हर एक बच्चे के साथ हूँ। और सिंपल सी बात है बच्चों, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ है ना एक ऐसा मूवमेंट चलाना है। मैंने मतलब नॉलेज टीवी देसी ताऊ और बहुत से यूट्यूबर से भी बात की थी, हमें ऐसा मुहिम चलानी है कि HSSC है ना जब भी एग्ज़ाम लेना वो सिलेबस क्या मेंशन करे, एग्जाम से पहले सिलेबस मेंशन करे कि इस एग्जाम का ये सिलेबस होने वाला है। बच्चों प्लस टू के बेस पे कलरक का एग्जाम हुआ और बीएससी लेवल की साइंस डाल दी और बीए लेवल का बच्चों मैथ्स डाल दिया, तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि अगर सिलेबस होता तो पहले मेंटली तो प्रिपेयर होते ना हम कि ये सिलेबस आएगा, चाहे पेपर का लेवल टफ मतलब सिलेबस टफ डाल दो, तो बच्चों सिलेबस टफ डाल दो वो तो सहन कर सकते हैं, लेकिन उन बच्चों का क्या कहें जो पिछले ना एक साल से मतलब दिन में ना अगर 24 घंटे या तो 18-18 घंटे पढ़ रहे थे और उसके बाद भी बच्चों वो जो उन्होंने पढ़ा था वो एग्जाम में नहीं आया, बच्चों रोना आता है, सारी रात को हम सो भी नहीं पाए थे। अगर आपको बच्चों टेंशन है तो ये मत सोचना कि हमें टेंशन नहीं होगी, आप हैं तो बच्चों हम हैं। हाँ, हम आपकी हर एक अच्छी मुहिम का हिस्सा बनेंगे। हाँ, HSSC ये सारे यूट्यूबर से कोशिश की है कि HSSC को सिलेबस डलवाना चाहिए। बात रही नॉर्मलाइजेशन की, बच्चों आज तक हरियाणा के इतिहास में नहीं हुआ, मानता हूँ SSC CGL में इस बार नॉर्मलाइजेशन हुआ था, हम इसमें आवाज़
उठा सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन हो, अगर हो ना हो ये अपने हाथ में नहीं है, अपने हाथ में तो बच्चों कर्म करना है ना। हम सीएमओ को या भारत भूषण भारती जी को ट्वीट कर सकते हैं कि मतलब क्या करना चाहिए, या तो मतलब सिलेबस डालो और साथ में नॉर्मलाइजेशन, इस टाइम की दो आवाजें उठानी है। प्रॉपर सिलेबस मेंशन होना चाहिए और क्या होना चाहिए, मतलब जो भी है ना नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट है बच्चों, मैं नहीं मानता कि हरियाणा इसे लागू कर पाएगा। बच्चों हम आवाज तो उठा सकते हैं ना, कोई भी हम आवाज उठाते हैं बच्चों उसमें ना वो मुहिम है, आज नहीं होगा तो हरियाणा पुलिस वाले एग्जाम तक हो जाएगा। कम से कम बच्चों हमें आवाज तो उठानी होगी ना। और बच्चों ये जो लेवल जो मतलब कट ऑफ मैंने थोड़ी हाई बताई है, आपकी उम्मीद से हो सकता है ये कट ऑफ हाई हो, लेकिन रियलिटी में यही कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि मैं किसी बच्चे को ना भ्रम में नहीं रखना चाहता। आप जो मूवमेंट उठाओगे बच्चों, हम हर मूवमेंट पर आपका साथ देंगे, चाहे बच्चों कुछ भी हो, आपको कहीं भी कहोगे ना हम आपके लिए रेडी रहेंगे। और हर यूट्यूबर से, नॉलेज टी वी देसी ताऊ वगैरह से, सभी से बात चल रही है कि इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। अगर दर्द आपके दिल में है तो बच्चों कम दर्द हमारे दिल में भी नहीं है। आप परेशान हो तो उतने ही परेशान हम है। परेशान क्यों है, क्योंकि एक पढ़ने वाला बच्चा है ना वो निराश है, और बच्चों पढ़ने वाला बच्चा निराश होता है ना तो दिल से रोना आता है, और हम हर एक मतलब हरियाणा के बच्चे के साथ है, हर मुहिम का हम हिस्सा बनेंगे। और ये रही कट ऑफ, और बच्चों आगे भी मतलब आपकी जो भी मुहिम में आप हमें बोलोगे, हम उस मुहिम में आपके साथ जाने के लिए तैयार है। आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।